अमृत महोत्सव के दौरान मनाए जा रहे आज़ादी पर्व के दूसरे दिन घर घर लगे तिरंगा की रक्षा और रखरखाव पर लोगों को जागरूक करने के लिए रोटरी क्लब कानपुर विनायक श्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर खलासी लाइन ग्वालटोली स्थित महात्मा गांधी गोपीनाथ सिंह विद्यालय में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। ध्वजारोहण के बाद परिसर में मौजूद छात्र छात्राओं और लोगों ने देश की आज़ादी में योगदान और बलिदान देने वाले वीरों की गाथाओं से रूबरू कराया, साथ ही देश की जान तिरंगे के रखरखाव की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से रोटरी क्लब कानपुर विनायक श्री के अध्यक्ष रोटेरियन मनोज कुमार पांडे ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ दी। साथ ही उन्होंने बताया कि हर घर में तिरंगा फहराया गया है, अब लोगों को इस तिरंगों को सुरक्षित रखकर इसका सम्मान बरकरार रखना है। रोटरी कानपुर विनायक श्री द्वारा खलासी लाइन महात्मा गांधी गोपीनाथ सिंह विद्यालय ग्वालटोली में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर बच्चों को देश का जो आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, बताया गया बच्चों को कि किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना योगदान रहा उनका, क्या क्या बलिदान दिया उन्होंने, और बच्चों को ये बताया गया कि किस तरीके से हमको अपना झंडे को 16 तारीख को उतार कर अगले पर्व के लिए सुरक्षित रखना है। इस अवसर पर मुख्य रूप से सचिन दीक्षित जी, रोटेरियन राजेश गुप्ता जी, रोटेरियन प्रेम त्रिपाठी जी, रोटेरियन अनुपमा त्रिपाठी जी, अनुपमा गुप्ता जी आदि लोग उपस्थित रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।